नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पीएम मोदी ने 18 जून यानी आज मन की बात के 102वें एपिसोड में लोगों को संबोधित किया। इस एपिसोड में उन्होंने योग दिवस, इमरजेंसी स्पोर्ट्स, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान और प्रकृति संरक्षण को लेकर बात की। इसके अलावा उन्होंने बिपरजॉय तूफान के दौरान कच्छ के लोगों की हिम्मत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस किया, लेकिन जिस हिम्मत और तैयारी के साथ कच्छ के लोगों ने इतने खतरनाक चक्रवात का मुकाबला किया वह अभूतपूर्व है। पीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने आपदा प्रबंधक की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। उन्होंने कहा कि मानसून के समय हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती है। इसलिए आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। पीएम बोले कि यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिरह उठता है। पीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने इमरजेंसी पर लिखी एक किताब पढ़ी। इसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इस किताब में जिक्र है कि कैसे उस समय की सरकार ने लोकतंत्र के रखवालों के साथ क्रूरतम व्यवहार किया। पीएम बोले कि इस महीने की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सबका कर्तव्य है कि इस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें और उनसे सीखें। पीएम ने कहा कि भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। जन भागीदारी ही टीबी मुक्त भारत अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। केरल के एक टीचर राफी रामनाथ ने एक हर्बल गार्डन तैयार करके इलाके की तस्वीर बदल दी। इसके बाद उन्होंने मियाव की तकनीक से एक छोटा जंगल तैयार कर दिया। मियाव की जंगलों को किसी भी जगह आसानी से उगाया जा सकता है। इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरी आई है। भारत की टीम पहली बार वुमेन्स जूनियर एशिया कप जीती है। इसी महीने मेंस टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम ने जीत हासिल की है। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। परसों यानी 20 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है।